गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज हमारे सामने इनोवा हाई क्रॉस जेड एक्स ऑप्शनल। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं सामने से। तो आपको इसमें क्या फीचर्स मिल जाते हैं, आपको पहले इसमें मिलता है एक कैमरा इधर है। तो कैमरे की काउंटिंग करो भाई, कितने कैमरे आते हैं, एक इधर, एक और दो आपको साइड में मिल जाते हैं और एक आपका ये रहा बीच में कैमरा। तो आपके हो गए चार और एक बैक कैमरा आपको मिलता है इसमें। तो पांच कैमरे मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा है फीचर है इसमें 360 कैमरा। और फिर आपको ये जो मिलता है ये ऊपर, ये एडास है। तो आपको छह फीचर्स इसके एडास में मिल जाते हैं आपको। तो ये आपका रहा सामने के जो फीचर्स आपको मिलते हैं और सेंसर्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। दूसरा फीचर से आपको सब जगह भाई कीलेस एंट्री मिलेगी, आपको सिर्फ ऐसे करना है और डोर अनलॉक हो जाएगा। और जो ये हाँ ये है ये लॉक हो जाएगा इससे, ये फीचर्स हो गया। और पीछे चलेंगे हम तो पीछे आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक टेलगेट। तो हम इसको खोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट मिल जाता है आपको इसमें, और ये की से ही बंद हो जाएगा। तो फीचर्स गिनते रहो गाइस क्या क्या फीचर्स आपको मिलते हैं। एक बैक कैमरा ये रहा, पास से दिखा देता हूँ मैं आपको। और पीछे आपको चार सेंसर्स मिल जाते हैं इसमें। तो फीचर्स के मामले में भाई बहुत ओवरलोडेड है ये गाड़ी, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आपको इसमें। डिफॉगर मिल जाता है। तो अंदर चलते हैं, बस आपको ऐसे खोलना है और देखिए इंटीरियर देखिए भाई कितना शानदार है। मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर दे दूंगा, इसकी ओवरऑल रिव्यू है। इस वाली में सिर्फ हम फीचर्स की बात करेंगे, आपको कितने फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो कीलेस एंट्री के बाद आपको मिल जाती है इसमें मेमोरी सीट, दो मेमोरी सीट मिल जाती हैं आपको। तो अंदर आ जाते हैं भाइयों, तो पुश बटन स्टार्ट, भाई गाड़ी बहुत साइलेंट है, पता नहीं लगता पुश बटन स्टार्ट पे भी। तो आपको यहाँ क्रूज कंट्रोल एडास के फीचर्स मिल जाते हैं इसमें, और पेडल शिफ्ट मिल जाते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है भाई अपनी गाड़ी। तो हाइब्रिड है ये, हाइब्रिड का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब 40 की स्पीड तक आपका ये उसमें चलेगी, सिर्फ बैटरी पर चलेगी, और अगर आप ब्रेक दबाओगे तो चार्ज होगी ऑटोमेटिक, कोई वो नहीं है। और ये डिजिटल मीटर मिल जाता है आपको सामने, यहाँ आपको डिस्प्ले के बटन्स मिल जाते हैं सारे। तो भाई इसमें आपको यहाँ 360 कैमरा मिल जाता है, ये फीचर काफ़ी अच्छा है, बड़ी गाड़ी है जिस हिसाब से। तो 360 तो मैं भाई चाहता हूँ कि हो ही हो, इसमें होना चाहिए 360। तो JBL की सराउंड सिस्टम मिल जाता है भाई, और आपको बहुत बड़ी इसमें सनरूफ मिल जाती है, पैनारोमिक सनरूफ। और एक फीचर भाई ये है, अगर आप यहाँ किसी से बात कर रहे हो तो ये आपका माइक है, ये भी अच्छा है। ऑटो डिमिंग, वो बैक मिरर मिल जाता है आपको, ये फीचर भी अच्छा है इसका। को ऑटो फोल्ड, इसमें साइड मिरर मिल जाते हैं, देखो बटन दबाया और साइड मिरर ऑटो फोल्ड हो गए। यहाँ से आप ड्राइव मोड सेट कर सकते हो अपना, इको नॉर्मल और ईवी मोड पर कुछ समय के लिए, ये कुछ किलोमीटर के लिए आपका ईवी मोड पर चलेगी। और ये ट्रैक्शन का ऑफ ऑन कर सकते हो आप यहाँ से। इनोवा के पीछे भाई यहाँ जो ये है ना कैबिन, यहाँ का मज़ा है भाई इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा है, और जो इसकी कैटेगरी में किसी में नहीं आता अब तक। तो आपको यहाँ कर्टेंस मिल जाते हैं मैनुअली, आप ऑपरेट करोगे ना। और भाई ये जो है ना ये रिक्लाइनर सीट, इनका मज़ा ही अलग है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पीछे करो और इनको ऊपर कर दो, तो ये दो कैप्टन सीट आती हैं इसमें, ये रिक्लाइन हो जाती है और ज़्यादा हो जाएगी, रिक्लाइन करो इसे। और यहाँ से आप इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हो सीट को। तो देखो भाई कैबिन में मतलब स्पेस काफ़ी अच्छी है। तो आपको यहाँ ट्रे मिल जाती है खाना वाना रखने के लिए, कप होल्डर भी है उसमें, पीछे भी पावर पॉइंट सॉकेट वगैरह, एसी कंट्रोल सब मिल जाता है आपको। तो ये जो फीचर है ना भाई ये काफ़ी अच्छा दिया है, बैठ गए। और इसमें लेग स्पेस देखो भाई, आप लेग स्पेस की तो भाई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा लेग स्पेस है इसमें, कंफर्टेबल आप किसी भी लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो। और आपको यहाँ से पूरा व्यू आता है साफ, ये पैनारोमिक है, गंदी हो रही है थोड़ी। और ये सामने से देखो भाई जो इसका मतलब चेंज कर दिया ना डैशबोर्ड, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया है इस बार, काफ़ी ज़्यादा कैबिन जो है स्पेसियस कर दिया, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, मतलब खुले बैठ कर जाओ आराम से, कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पे जाना है आपको थकान नहीं होगी। बड़े शीशे मिल जाते हैं आपको साइड में, तो इससे ज़्यादा मतलब कैबिन ऐसा लगता है खुला खुला।
फीचर इनोवा का मुझे ये और अच्छा लगा, आप इसकी टेल गेट ओपन करेंगे तो इलेक्ट्रिक हो जाती है। और एक और फीचर है कि आप इसको हल्का सा नीचे पुश करोगे तो ये खुद ही बंद हो जाएगी, ये भी अच्छा फीचर है। बटन दबाने की या चाबी से बंद करने की ज़रूरत नहीं है आपको।